दोस्तों, दिल्ली को दहला देने वाले कंझावला कांड को आज 20 दिन पूरे हो चुके हैं। इस घटना को देख पूरी दिल्ली कांप उठी है। दिल्ली और दिल्ली की महिलाएं आज भी रात के अंधेरे में निकलने से डरती हैं। दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसी का जायजा लेने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल रात के अंधेरे में निकली। इस दौरान स्वाति मालीवाल के पास एक गाड़ी आई, उसमें जो आदमी बैठा हुआ था वो नशे में धुत था। वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को गाड़ी में बैठने के लिए पूछने लगा और मना करने पर वो गुस्से में चला गया। थोड़ी देर बाद वो फिर आया और फिर क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपके, क्या कहाँ छोड़ेंगे? हाँ, मेरे को तो घर जाना है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। अभी आप ही थे ना, आप ही गए थे ना, आपने कहा था छोड़ दो। कहाँ छोड़ोगे? अभी तो बात हुई थी आपको, मैंने बताया था ना रिलेटिव्स हैं मेरे, आ रहे हैं। कहाँ छोड़ोगे? हाँ, कहाँ पे छोड़ोगे वही तो पूछ रही हूँ। मतलब आप दूसरी बार घूम के आए हो ना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे को नहीं छुड़वाना कहीं पे भी, है ना? तो देखा आपने किस तरह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की गई। ये हाल दिल्ली में तब है जब कंझावला कांड को हुए अभी सिर्फ 20 दिन ही हुए हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि घटना की सूचना मिलने के 22 मिनट बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था। आरोपी की पहचान हरीश चंद्र के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे में धुत था। क्या क्या, क्या कुछ हुआ था, कैसे, क्या तो शक है? मैं कल रात दिल्ली की सड़कों पर इंस्पेक्शन करने निकली थी क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, क्या सच में कुछ बदलाव हुआ है दिल्ली में अंजलि के इंसिडेंट के बाद। तो मैं अकेली खड़ी थी, एम्स बस स्टॉप के ऑपोजिट साइड पे खड़ी थी और मैंने देखा कि एक एक करके गाड़ियां रुकने लग गई, ट्रक्स रुकने लग गए और एक गाड़ी आकर जो व्हाइट बलेनो गाड़ी थी वो बिल्कुल आकर मेरे साथ खड़ी हो गई और उसमें जो आदमी बैठा हुआ था वो नशे में धुत था और वो बार 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 मुझे पूछने लगा, मुझे पेस्टर करने लगा कि मैं उसकी गाड़ी में बैठूं और वो मुझे छोड़ देगा। जब मैंने उसको मना करा तो उसने काफी बार मुझे बोला और फिर गुस्से में वो चला गया, लेकिन 10 मिनट के बाद वो फिर वहां पहुंचा और मैंने उसको फिर पहचाना और फिर मैंने उसको फिर बोला कि मेरे को आपके साथ नहीं जाना और वो मुझे फोर्स करता रहा और इसके बाद उसने गंदे गंदे जेस्चर्स करने शुरू करे, बड़ी गंदी हरकतें करनी शुरू करी, जिसपे जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो तुरंत उसने विंडो ऊपर कर दी और मेरा हाथ गाड़ी के अंदर अटक गया और उसने एक्सेलरेटर पे बहुत जोर से पैर डाला जिससे कि गाड़ी एकदम भागी और मैं उसके साथ लटक गई और 10-15 मीटर तक वो मुझे घसीट कर लेकर गया। फिर एक आदमी मेरी टीम का ही वहां पे कूदा और उसने भी चिल्लाया, मैंने भी चिल्लाया, तब जाके उसने मुझे छोड़ा। अगर वो मुझे उस वक्त नहीं छोड़ता तो मैं भी अंजलि के तरह मेरे साथ भी कल बहुत बड़ी कोई घटना घटती। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल के साथ राष्ट्रीय राजधानी में छेड़छाड़ की घटना होने पर दिल्ली पुलिस और महिला की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। नए साल पर दिल्ली में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी क्या दिल्ली पुलिस अब भी सो रही है? क्या महिला सुरक्षा को लेकर जो दावे दिल्ली पुलिस करती है क्या वो सिर्फ जुमला है? राजधानी दिल्ली में इस तरह की हो रही घटना पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।